हम मौजूद हैं स्पोर्ट जिला में और यहाँ पर हो रही है जनाब चैंपियनशिप लीग हो रही है। किसकी? काटिंग की। नाजरीन जो सारों से आखिर पे है ना, मैंने उसकी बात सुनी है, वो गा रहा बैठा, काटे ना कटे रे काटिंग सैया इस ट्रैक पे। बंदा धड़ना बैग ना को मेरे ख्याल 9 घंटे से कराची पहुंच सकता है, मैनू यकीन है। नहीं, मैं आप 20 घंटे चाहिए। मोटर स्पोर्ट में सबसे कम पैसों में आप यहाँ पे आके रेस सर, थोड़े से सम्राट 100-125 से बात बन जाएगी। पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट गो कार्टिंग चैंपियनशिप जो है वो हमने आज करवाई है और आज उसका फिनाले करवाया है। लो जी मैं ते गया फिर जनाब। हेलो फिर, चलो भाई सोने। हेलो पाकिस्तान, वेरी एनर्जेटिक वेलकम टू प्रोग्राम चक दे फटे। और नाजरीन एक बड़ी मशहूर फिल्म आपने देखी तो होगी, फास्ट एंड फ्यूरियस है जी। और फास्ट एंड फ्यूरियस में सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, वो बड़ी बड़ी गड्डियां जब दौड़ती हैं शहरों के अंदर बढ़ जाती हैं, बिल्डिंगों में बढ़ जाती हैं और आपस में ठोक जाती हैं, ऊंची हवा में उड़ रही होती हैं गड्डियां। नाजरीन वो तो आपने देखी है, वो तो आपने बहुत इंजॉय किया, लेकिन आज जो गड्डियां आपको मैं दिखाने लगा हूँ वो बड़ी बड़ी नहीं, वो निकी निकी पीधी पीधी गड्डियां हैं जनाब। आज होने जा रहा है स्पोर्ट जिला के अंदर, क्योंकि हम मौजूद हैं स्पोर्ट जिला में और यहाँ पर हो रही है जनाब चैंपियन लीग, चैंपियनशिप लीग हो रही है। किसकी? काटिंग की। ओए होए 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 होए, और नाजरीन मुझे तो देख के चक्कर आ गए हैं, यकीन जाने मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है चला कैसे रहे साले। ओए होए होए होए, मैं कहता हूँ बंदे को वो जिसको कहते हैं ना पुआंटलियाँ आ जाती हैं, मुझे तो पुआंटलियाँ आ गई हैं देख के। और मेरा एक मिनट सिर चकरा रहे हैं। नाजरीन मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मजा आ रहा है जनाब। हम जितने मर्जी चक्कर आ रहे हैं लेकिन मजा बहुत आ रहा है। मैं कहता हूँ हमें इतना मजा आ रहा है, ये तो बीच में बैठे ऐसे 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 कर रहे हैं, इनको कितना मजा आ रहा होगा। वही वाह वही वाह वही वाह, ये सिर्फ और सिर्फ इंजॉयमेंट आपको सिर्फ सपोर्ट जिला के अंदर मिल सकती है जनाब। मैं कहता हूँ जी मेरा दिल कर रहा है मैं को गड्डी फाड़ लवा ते मार दवा कि सारों से आखिर पे है ना, मैंने उसकी बात सुनी है, वो गा रहा बैठा, काटे ना कटे रे काटिंग सैया इस ट्रैक पे। नाजरीन इसी के साथ जो है ये एक राउंड जो इनका ये बिल्कुल इख्तिताम पसीर होने वाला है, यकीन करें मेरे सामने इन्होंने को 3400 राउंड मार लिया है, ये इनका आखिरी राउंड जा रहा है, इसके बाद नवी रेस स्टार्ट होगी। इसको पहले सारे उधर से बजाय इधर आ जाए, असी मिलने जरा। नाजरीन इस कंटेस्टेंट को मैंने बहुत मुश्किल से रोका है, बल्कि फड़ा है, ये फड़ने में नहीं आ रहे थे, ना हाथी चढ़ रहे थे किसी के, ना ट्रैक के, ना बंदों के, मैंने बहुत मुश्किल पकड़ा है इनको। जरा इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे पहले एक बात बताएं। आ गए हो? सर मेरी तो सुन लो। अच्छा। मैं परेशान हो गया हूँ आपको देख देख के। अच्छा। हैं, मुझे इतने चक्कर आ गए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। मुझे बात बताएं सर, आप अस्पताल तो नहीं लेके जाना था? सर मैनू जिते मर्जी ले जाओ, उस तो बाद मेरे सवाल का जवाब दे दो। देने सर तुसी कल ही रेस चाहे करो। मैं ही सोचा कि आखिर च तो नहीं नसन दिया। मैं मैनू ये नहीं समझ आ रही सर कि बाकी ताडे पिछे ने कि तुसी बाकियां तो पिछे हो। मैं भी यही जस्तजू चाहे फिलहाल। आपने इतनी इतनी तेज जो है वो ट्रैक को ख़त्म किया, इतनी आपकी आंखें बंद थी? मैं कोशिश कर रहा था बंद हो जाए। कोशिश कर रहे थे बंद हो जाए। हाँ। नहीं आपको क्या फीलिंग आ रही थी, यानी रेस टाइप फीलिंग तो आपको आ नहीं रही थी क्योंकि आप अकेले ही थे। मैं किसी ने पैसे ले से मेरे में मगर भजन दिया था। अच्छा, वो तो मगर लब्बे ने रस्ते कोई नहीं लब्बे रस्ते जो चेंज कराने निकल गया। वो मेरे ख्याल डॉलर सनो दे को डॉलर सनो तो, लेकिन सर कमाल, सर कल कमाल लीड दी। जजाक अल्लाह जी, जजाक सारों को कमाल लीड दी आपने। क्या नहीं, बड़े अच्छे ड्राइवर्स आए हुए हैं यहां पे। मुझे ये बताएं कि सर धूम 5 कब रिलीज कर रहे हैं आप? धूम 5 क्योंकि धूम 5 में मुझे मेन हीरो आप ही लग रहे हैं। जब वो क्या नाम है उसका, जॉन अब्राहम नाम है उसका। हां, वो जब रिटायर हो जाएगा तब जॉन अब्राहम। हाँ,
घबरा जाएगा ना। हाँ, लेकिन वो आपकी ड्राइविंग देख के वो भी घबरा जाएगा सही, क्योंकि वो तो फेक है सर, आप रियल हीरो हैं। क्या बात है, क्या बात है, शुक्रिया। करना बैग ना को मेरे ख्याल 9 घंटे कराची पहुंच सकता है, मैंने यकीन है। नहीं, मैं आप 20 घंटे चाहिए। सर मेरे का थोड़ा टाइम हो गया है, इससे पहले कि तुम मैंने भी ना ले जाओ। बाय बाय नाजरीन, चलिए आ जाओ। नाजरीन, मैं कहता हूँ कि दुनिया कहती है कि लड़कियाँ जो हैं वो किससे कम हैं। आज तो मैंने अपने आँखों से देख लिया है कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी लड़की जिसने अभी पहले राउंड में क्वालिफाई किया है, मिशाल खान हैं, ऐसी दबंग लड़कियाँ हम आपको अभी उनसे मिलाते हैं। और वो दूसरे राउंड में जो है वो थर्ड आई हैं, पहले में जो है वो पहले नंबर पर आई हैं, लेकिन दूसरे में थर्ड क्यों आई हैं ये इंसिडेंट वो अपने मुँह से बताएंगे। आए जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिशाल? ठीक, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, लेकिन आपको देखने के बाद मैं मज़ीद ठीक हो गया। ओए होए होए होए, मिशाल क्या ड्राइव करती हैं आप, काटिंग यार। थैंक यू। ओह माय गॉड। अच्छा मुझे बताएं कि मिशाल ये जो ट्रैक है ये हिफ्ज किया आपने? नहीं नहीं, इस ट्रैक पर तो मैंने सिर्फ एक ही बार काटिंग की है। नहीं तो इतना कैसे आप करेक्टली मुड़ सकती हैं आप? वो पिछले ट्रैक पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, 2 साल से ज़्यादा। 2 साल से ज़्यादा? नहीं, जितनी स्पीड आप आ रही थी, मैं अच्छा उन्होंने रुकने का झंडा भी आपको दिखा दिया, आप फिर नहीं, आप किस, कौन सा आपका एम था जिसे आप पूरा करना चाह रही थी? बस यही था कि फर्स्ट आना है। फर्स्ट आना है, तो वो तो आप आ गई थी, तो रुक तो जाना था ना फिर। नहीं रुकी थी। अच्छा, नहीं उसके बाद मैंने देखा आप पूरा एक चक्कर लगा के रुकी। नहीं वो तो घूम के आना था वापस। अच्छा तो मुझे बताएं दूसरे राउंड में आप थर्ड क्यों आई थी? वो जो कार्ड थी वो बहुत नहीं, मुझे खौफ भी थोड़ा थोड़ा आना शुरू होता है जब ये स्टार्ट होता है ना, क्योंकि मुझे लगता है इसका कोई पता नहीं किधर को जाना है इसने। आपका नाम मिशाल खान है, आपके लिए कोई चीज़ मिशाले रहा नहीं यहाँ पे आपको नजर आई? आप सीधा जाके टायरों के ठा, वो थोड़ी सी ड्रिफ्ट आता होगी थी, कंट्रोल नहीं होगी गाड़ी। अच्छा, नहीं तो उससे डर नहीं लगता जब बंदा हिट होता है? मैं तो एक बार पहले मेरी कार्ड लगी थी रेस की पुरानी, और मैं कार्ड से निकल के बाहर गिर गई थी। अच्छा, जितना का आप बजी हैं ना उतना का मैं बजा होता ना तो मैं हॉस्पिटल होना था। नाजरीन, इस मज़ेदार किस्म की रेस को जो डायरेक्ट कर रहे हैं वो हमारे खुद यानी हमारे घर के डिस्कवर पाकिस्तान फैमिली के एक बड़े ही ज़बरदस्त एंकर हैं जनाब, जो एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं गेयर अप हैं, आप उस प्रोग्राम को देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं। आए जी, वो उधर एंकर हैं लेकिन यहाँ पर वो डायरेक्टर हैं हैं इस रेस के, और उनकी बहुत ज़्यादा मतलब आ चुकी है मुझे नज़र आ रहा है। आए हम उनको ज़रा पूछते हैं कि क्या हालात वाकियात हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक है सर, पहले तेन छोटू। हेलो छोटू सर, आओ किसी जगह पे बैठने आराम नाल। बस हो गई है पॉइंट सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यकीन करें तुसी बुड्ढे हो जाने से इस एंड तक। बिल्कुल, रेस ते जो हालात हो चुके हैं बूटा जी, इस चंडे दा तुहानू पता है कदों खाईदा, जदों वार्निंग मिलदी है। अच्छा जी, तुसी मेरे नाल जे कोई गलत गल की थी तो फौरन तुहानू ए चंडा विखा दिया। नहीं 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 सर, सर ए चंडा असी इत्थे गाड़ देंगे ए जगह दे उत्ते। होर सुनाओ जी। सर ए वन जबरदस्त, कैसा जा रहा तुहाडा एक्सपीरियंस रेस दा? सर मैंने आगे आवाम को बहुत बताया है कि मुझे वो जिसको कहते हैं ना कि पाँव चढ़ गए हैं, मुझे ये रेस देख देख के मुझे इतने पाँव चढ़े हैं कि दो दफ़ा मैं गड्डी में आराम कर चुका हूं। घूम घूम के घूम घूम के मैं कहता सर आपका हौसला है, आपकी हिम्मत है, आप इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, बल्कि इस हर एक गड्डी पे आपकी बड़ी तेज़ नज़र है कि केड़ी गड्डी क्या कर रही है, किसको मार रही है। बड़ी बात है सर, कैसे मैनेज कर लेते हैं यार? आप यकीन करें कि रेस करना, मैं मेरे ख्याल में दूसरी रेस है, तो पहली रेस है ऑफिशियली जिसका मैं रेस डायरेक्टर हूँ, और रेस करना बहुत आसान काम है, रेस डायरेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रेस जब कर रहे हो तो एक गाड़ी पे नज़र रखनी होती है, वो अपनी है, ज़्यादा से ज़्यादा एक आगे और एक पीछे पे नज़र रखनी होती है। इसमें आपको हर गाड़ी पे नज़र रखनी है हर वक्त, के कोई बेईमानी हो के किसी के साथ अनफेयर ना हो जाए, टक्कर ना हो जाए। और वो फॉर्मेट भी इसका मैंने बनाया है मोटर स्पोर्ट को बढ़ाने के लिए। देखिए पाकिस्तान को दुनिया में कदम आगे साथ लेके चलना है ताकि मोटर स्पोर्ट आगे जाए। बिल्कुल सर, इसको हला हला के खल्ले तो पड़ गए होंगे।
भाई जान बाइसेप ट्राइसेप तो बन गए, भाई साहब तो बन गए, भाई साहब बन गए हैं, भाई साहब बन गए। आप बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है अभी? सर मेरा बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस चला है। यकीन करें कि मैं बैटिंग में नहीं बैठा, लेकिन मुझे ऐसे ही अज्यूम हो रहा था कि यार जैसे मैं भी इनके साथ जो है ना शामिल हूं इस रेस के अंदर। मुझे इतना मजा आ रहा था, यकीन करें चार दफा तो ट्रैक के सामने पैदल ही दौड़ पड़ो। नाज़रीन सपोर्ट ज़िला, मैं कहता हूँ जी खेलों की एक पूरी दुनिया है। मुझे तो यकीन करें कि अपना बचपन याद आ गया है, मेरी आंखों से आंसू भी आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे हर वो खेल है, यहाँ पर हर किस्म का वो खेल मौजूद है जिसमें बचपन में मुझे बहुत कुट पड़ चुकी है घर वालों से। हैं जैसे ये मेरे सामने ये है जी स्नूकर टेबल, और इसके बिल्कुल साथ है जी बिलियर्ड का टेबल। है स्नूकर और बिलियर्ड एक ही कमरे में आप खेल सकते हैं। यहाँ पर इसके अलावा भी बहुत गेम्स हैं नाज़रीन, जिनको खेल खेल के आप ना थकेंगे ना रजेंगे। हैं भाई मैं तो बचपन की एक एक याद ताज़ा करूँगा। मेरा चाक सो गया इसमें का दोबारा ला ला। ओए होए क्या दिन थे नाज़रीन, मैं खेलने जाता था, अब्बा जी कोट कोट के घर लाते थे और ये चैप ऐसे तोड़ता था मैं। ये चीज वाह, अब बूटर राउंड की ना कितना खेलना है। वाह 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 वा, नाज़रीन ये देखें जरा क्या गेम मुझे नजर आ गई है। आए हाय खेरे की याद ताजा हो गई नाज़रीन, मशहूर तरीन बाबा वाली गेम। ओए होए दुनिया में अगर किसी के मजबूत तरीन पैर मैंने देखे हैं तो इन जवानों के देखे हैं। सुबह से शाम तक ठुड्डे पे ठुड्डा मारते हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं होता फिर भी ऐसे खिलोते रहते हैं। ओए होए होए नाज़रीन इतनी शर्तें लगा लगा के हम ये गेम खेलते थे, इतनी शर्तें लगा लगा के मैं आपको क्या बताऊँ। नाज़रीन इतनी रेस देखने के बाद ऐसे 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 सर करने के बाद हैं पूरे जिस्म की मशक्क़त हो जाती है और बंदे को भूख लग जाती है, और खेल में तो आपको पता है कि खेलने के बाद भूख लगती ही लगती है। और नाज़रीन इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये है स्पोर्ट्स ज़िला के अंदर मौजूद एक बड़ा ही ज़बरदस्त फास्ट फूड का कैफ़े है, जहाँ पर आपको मैं कहता हूँ बड़ा लजीज किस्म का फास्ट फूड मिलता है, बड़ी आइटम मिलती है फास्ट फूड की। जैसे ये देखें नगेट्स, ये मेरे सामने नगेट्स पड़े हुए हैं, हैं जी उसके साथ मायनीज है और फिर उनकी स्पेशल केचप है मिर्चों वाली। उसके बाद जी आय हाय 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 ये देखें क्या ताज़ा पिज़्ज़ा, ओए होए होए गर्मा गर्म पिज़्ज़ा ला के रखा है उन्होंने हमारे सामने। ये मेरे पास जी ये देखें ये है जी सैंडविच, आय हाय मेरा पसंदीदा सैंडविच, ये सैंडविच भी है जी। उसके बाद ये स्पेशल फ्राइज ये देखें, वाह 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 ये देखें ज़रा फ्राइज नाज़रीन, ये चेक करें फ्राइज हैं, हर तरह से उन्होंने अपने फ्राइज सर अंजाम दिए हैं। ये देखें अरे नाज़रीन मुझे तो जितनी भूख लगी थी मैं इस पर दावा बोलने लगा हूँ, हैं जी आपने अब मुझे यहाँ तो देखना है तो देख लें, नहीं देखना तो आप भी कोई चीज़ अपने घर में खाने पीने की पकड़ के बैठ सकते हैं, आप भी समझें कि मेरे साथ ही बैठे हैं आप भी खाना खा सकते हैं। भाई मेरे से तो कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, नगेट से हम जा करते हैं। नाज़रीन क्या ताज़ा नगेट से यार, वाह 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 एकदम फ्रेश एकदम गर्मा गर्म नरमा नरम, वाह 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 ये पता नहीं 3-4 मंजिला सैंडविच है। भाई सुभान अल्लाह मैं ये कह सकता हूँ, वाह पा पिज्जा चेक कर ले हैं, हुए 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 सारी थकावट खत्म,
ख़त्म होगी नाजरीन सारी थकावट। वाह 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 नाजरीन, हूँ मैं तेरे गल नहीं कर सकता, प्लीज़ हूँ मैंने जो तक मैं राजधानी मैंने छड़ दी। डांस ने समा बांध दिया, क्या डांस था, लड़कों ने क्या डांस किया, पूरे स्पोर्ट जिला को हिला के रख दिया, पूरा स्पोर्ट जिला झूम रहा था, एंजॉय कर रहा था, और मैं भी जनाब उनके साथ जो है वो पूरे मजे के साथ जो है वो नाच रहा था, गा रहा था, मुझे भी बहुत मजा आ रहा था। ले जनाब अब डांस के बाद, डांस तो हो गया खत्म, अब डांस के बाद ये जा रही है जनाब फाइनल राउंड, यानी कि छह कंटेस्टेंट है हमारे पास, और ये छह जो है ये 16 लैप्स जो है वो कवर करेंगे। 16 लैप्स मुकम्मल करने के बाद देखना ये है कि वो खुशनसीब, वो खुशकिस्मत, वो चैंपियन आज का कौन है जनाब। बस थोड़ी ही देर में आपको पता चल जाएगा कि आज का जनाब ये चैंपियन कौन है, कौन ये घुमण घेरी के अंदर जीत चुका है, कौन ये जो ये पाँव जिसको नहीं चढ़े, क्योंकि जिसको पाँव नहीं चढ़ेंगे वही जीतेगा ना। मेरे लड़के बंदर ने तो पैन देख के ही पाँव चढ़ी जा रहे हैं। नाजरीन ये है वो झंडा, ये आप देख रहे हैं, ये वो झंडा है जनाब जिसको तरसता है हर ड्राइवर स्टार्टिंग का। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड का पता लगेगा, ए फर्स्ट आ गया जे, ए सेकंड गया जे तेरे सामने। अब देखते हैं थर्ड कौन खुश नसीब है। लो जी थर्ड, ओए ओए उतने सारे टैरो टैरी होए पे ने। ले नाजरीन अब आपकी मुलाकात कराते हैं उस शख्सियत से कि जिन्होंने ये सारे का सारा मेला लगाया है, ये निकी निकी गड्डियों का है, यहाँ पर ये ट्रैक खूबसूरत ट्रैक बिछाया और लोगों को इस चैंपियनशिप के लिए बुलाया, और बड़े ही अच्छे तरीके से जो है वो इस इवेंट को वो करवा रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से बखूबी निभाया उन्होंने। आए आप उनके साथ, आपको मुलाकात करवाते हैं आपकी जनाब इस जगह के ऑनर जनाब अमीर हमजा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाइए, ठीक ठाक है? सर ये पूरी की पूरी जो रेस माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त रेस और इतनी ज़बरदस्त जो है वो काविश आपकी कामयाब हुई, आपको कैसा लग रहा है सर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक और माइलस्टोन जो है वो अचीव किया है स्पोर्ट्स जिला क्लब ने, और पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट गो कार्टिंग चैम्पियनशिप जो है वो हमने आज करवाई है और आज इसका फिनाले करवाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश और सेटिस्फाइड हैं। सर आप सोच रहे थे कि आपका पहला ही एक्सपीरियंस जो है वो इतना धमाकेदार होगा? जी मैंने सोचा हुआ था, क्योंकि मैंने हमेशा अपनी जो सोच है वो पॉजिटिव रखी है, और मैंने इस कॉम्पिटिशन को लेके भी बहुत फेयर डिसीजंस लिए हैं कि किसी भी पार्टिसिपेंट को जो है किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, जिस तरह कि हमारा कोई भी मैनेजमेंट या हमारा कोई भी आप कह लें दोस्त हो या कोई रिश्तेदार हो, हमने उसको इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करवाया, और हमने खुद इस मैनेजमेंट ने इस जितने भी डिसीजन हैं इस रेस के वो हमने नहीं कंक्लूड किए, उसके लिए अलग से हमने दो रेस डायरेक्टर्स जो हैं वो अपॉइंट किए थे, हमजा पाशा एंड हारिस ज़ुबैर ख़ान, और उन्होंने जितने भी डिसीजंस हैं फॉर्मेट है सब कुछ उन्होंने जो है वो बनाया और इसको जो है ना इम्प्लीमेंट करवाया। ज़बरदस्त सर, हमारी भी ये दुआ है कि इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होते रहे हैं, और लोग यहाँ पर इसी तरह घूम घूम के जो है उनके दिमाग ख़राब हो जाए। ऐसा ही है, क्योंकि मैं तो सर देख देख के जो ना वो मैं तीन चार दफ़ा चक्कर खा गया, मैं यार क्या मैं फर्स्ट टाइम में ऐसा ही सर सर ऐसा ही है। अच्छा सर सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ थी ना वो सर यहाँ पर डांस परफॉर्मेंस जी जी सर उसके बारे में आप क्या, ये किसका आइडिया था और इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया? ये बेसिकली आइडिया मेरा ही था, और मुझे काफ़ी फैसिनेट करते हैं ये जो ड्राइविंग सूट्स होते हैं, तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया था कि क्यों ना हम डांसर्स को और कोरियोग्राफर्स को इनवाइट करें और वो रेसिंग सूट्स पहन के, ग्लव्स पहन के और हेलमेट्स जो भी उनके गियरअप होते हैं वो पहन के जो है एक फ्लैश मॉब करें, डांस भी नहीं बल्कि फ्लैश मॉब करें, और ट्रैक के डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस पे खड़े होकर वो डांस करें और फिर आपस में कंबाइन हो और फिर उसके बाद वो लाइक स्टंट्स करें, फ्रीली डांस करें उसको लेकर। इतने एनर्जेटिक, इतने ज़बरदस्त डांसर पाकिस्तान के अंदर, लेकिन सर हैट्स ऑफ टू यू इस पूरे इवेंट के लिए, इस पूरी जो है वो कंपटीशन के लिए,
हमारी दुआएं आपके साथ हैं सर, बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने का। नाजरीन, इनका जोश और वलवला देख के मेरे अंदर का जो जोश है वो समंदर बन के बाहर आ गया है जनाब। मैंने भी हिम्मत कर ली है, मेरे अंदर का काटर भी जाग गया है और मैं बैठ गया हूँ जनाब काटिंग वाली गाड़ी के अंदर। अब मैं करूँगा जी काटिंग। लो फिर नाजरीन, इसी के साथ हमारे एपिसोड का ये विला ख़त्म हुआ जाता है। आई होप कि आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा, होप क्या बल्कि मुझे यकीन है कि आपने बहुत इंजॉय किया है यहाँ की रेस को, यहाँ के डांस को, यहाँ के दूसरे खेलों को और खान पीन स्पेशल हैं। ले फिर आपके साथ मुलाकात होगी ऐसे ही किसी दूसरे इवेंट में मज़ेदार किस्म के एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बूटा रौनकी को दे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी बाद में, देखते रहेंगे चक दे फटे। लो जी मैं ते गया फिर जनाब, हेलो फिर चल भाई सोने चक दे फटे, ओ यार रहा चक दे फटे, चक दे फटे, ओ यार रहा चक दे फटे।